दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि विड्रॉल फॉर्म या पैसे निकालने की पर्ची को कैसे भरा जाता है। अगर आपके पास चेकबुक नहीं है और आपको बैंक से पैसे निकालने हैं, तो ऐसे सिचुएशन में आप इस फॉर्म को भरकर पैसे निकाल सकते हैं। बस आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि इस फॉर्म के साथ पासबुक को भी ले जाना जरूरी है, अकाउंट होल्डर यानी खाताधारी को खुद ब्रांच आना पड़ता है, और इस चेक के साथ आप नेफ्ट, RTGS या फंड ट्रांसफर जैसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। इस फॉर्म का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पैसे निकालने के लिए किया जा सकता है। ये एक चेक नहीं है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है और पीछे भी सारे रूल्स लिखे हुए हैं, आप एक बार देख सकते हैं इसे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इस फॉर्म में आपको क्या क्या डिटेल्स भरनी है। सबसे पहले यहाँ पे आपको आपके ब्रांच का नाम भरना है, यहाँ पे तारीख, यहाँ पे जितनी अमाउंट, सपोज आपको 1000 निकालना है, आप यहाँ 1000 लिखेंगे। और एक चीज़ और दोस्तों, आपको एक आदत हमेशा डाल लेनी चाहिए, कभी भी अमाउंट लिखने के बाद ये लाइन, ये क्रॉसिंग करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, हो सकता है आपके जाने का कोई और एक 0 या 2 0 लगा के अमाउंट को चेंज कर दे, तो उस ऐसे सिचुएशन को रोकने के लिए ये प्रैक्टिस करनी जरूरी है। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आपने लिखा, उसी अमाउंट को आपको वर्ड्स में यानी अक्षर में लिखना है। यहाँ इसके बाद भी आपको ओनली लिख के ये पूरी जगह को भर देना है लाइन से, ताकि कोई और कुछ नहीं लिख पाए। उसके बाद इस बॉक्स में आपको अकाउंट नंबर लिखना है, ध्यान रखिए इस अकाउंट नंबर को आपको सही से लिखना है। जो भी आपके अकाउंट नंबर है, नॉर्मली 13 डिजिट्स के अकाउंट नंबर होते हैं कैनरा बैंक के, वो आपको यहाँ भर देने हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका साइन करना है, ये वही साइन होना चाहिए जो आप अकाउंट ओपन करते वक्त आपके बैंक रिकॉर्ड में आपने दिया था, कोई भी और साइन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। उसके जस्ट नीचे यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, जो भी आपका नाम है वो आप भर देंगे। इसके नीचे की जगह को आपको कुछ नहीं भरना है, क्योंकि ये ऑफिस यूज़ के लिए है, बैंक के कर्मचारी इसे खुद भर लेंगे। पीछे ये सारी डिटेल भरने की आपको ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आप ब्रांच लिख सकते हैं और पीछे एक साइन आप कर दीजिएगा अपना, जो भी आपका साइन है। बस इतना ही आपको करना है। ये फॉर्म आपको ब्रांच के अंदर ही मिल जाएगी। इस फॉर्म के साथ, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, आपको साथ पासबुक होना जरूरी है। ये दोनों लेके आप कैश काउंटर पे जाइए, वहाँ पे जो भी बैंक के कर्मचारी होंगे उनको आप दीजिए, आपको कैश मिल जाएगा।